वाह ये बढ़िया साइज वाला है, मजा वाला मजा। दो आए एक साथ में ना, मिस ही नहीं आज तो। ओह ये तो बहुत मजा है, दो दो और एक आए, ये भी बहुत भरा वाला। देखिए देखिए देखिए, वाह बढ़िया। सो अभी तक तो देखिए गाइस, ये है आटा में मिला ला मछली, पूरा जिंदा रखा है अभी तक, फ्रेश है पूरा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज फिर से आए हैं दारू में, आज फिशिंग करने के लिए आया है। बहुत दिन हो गया आज फिशिंग नहीं किया, इसलिए आज थोड़ा फिशिंग करने के लिए आ गया है। सो गाइस देख सकते हैं अभी ये नीचे साइड में पूरा नदी है, तो अभी नीचे और जाने के लिए बहुत बाकी है। और ये पूरा ये लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे रोज, जो क्योंकि बारिश थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे, इसलिए लैंडस्लाइड होते रहता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा कॉमन सा बात है, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अभी जा रहा है धीरे धीरे। देखिए गाइस ये है पीछे नदी पूरा व्यू, और ये आगे मेरा दोस्त लोग है, मेरा भाई, मेरा कितने दोस्त लोग है और एक दो है। तो हम लोग सब ऐसे जा रहा है नदी में, आज फिशिंग करेंगे और खाना पका के खाएंगे। सो वीडियो पे बने रहना गाइस, कहीं जाना मत। सो अभी नदी पहुंच गया, अभी नदी क्रॉस कर लेगा, थोड़ा नदी पार करेगा, यहाँ से कर लेगा। नीचे साइड में थोड़ा गहरा है, तो ये साइड थोड़ा ठीक है, इसलिए यहाँ से नदी से पार कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा करंट हो गया, सो स्टिल नदी क्रॉस कर रहा है अभी भी, थोड़ा पारने में। तो अभी भी नदी क्रॉस कर रहा है, स्पॉट पहुंचा नहीं है। हाँ स्पॉट भी कब पहुंचेगा यार, जल्दी पहुंचे ठीक है। चल चल के पूरा पैर दर्द हो रहा है अभी, बहुत लंबा सफ़र कर लिया आज। हाँ हम ये सांप को खोलना पड़ेगा। मछली मिल गया, गिरने लाता चतरा हो गया क्या हो तुम? अपना जतरा मछली मिल गया गौतुब। हाँ वो देखो बहुत बड़ा वाला है। सो गाइस देख सकते हैं, वो देखिए 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 देखिए, वो ऊपर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, उधर जा रहा है, इधर आया, बहुत बड़ा वाला है। हाँ ऊपर में पकाने के लिए ट्राई करेगा उसको। भाग गया, किधर भागा है? ऊपर गया ना, नीचे साइड गया। तो गाइस अभी अपना लोकेशन पहुंच गया फिशिंग करने के, इसमें अभी खाना भी कुकिंग करने के लिए फिशिंग करेगा, इसमें अभी बैठ जाएगा। तो ये है लोकेशन, देखिए बहुत नीचे है, चल चल के पूरा थक गया अभी, एकदम सब थका हुआ है, बैठा हुआ है अभी, थोड़ा रेस्ट कर लेगा, उसके बाद में अरेंजमेंट कर लेंगे सब। फिशिंग के लिए पूरा रेडी कर रहा, कोइल बना रहा है अभी, पेप्सी भी लेके आए। दाऊ कहाँ रख देता? दाऊ उधर में रख देता, थोड़ा देर में आटा फिशिंग भी करेगा। सो अभी आटा बना रहा है, आटा फिशिंग करेगा, ये इसे आटा को रोल करके पत्थर डाला है बीच में, इसके बाद अभी अच्छा से कवर कर देगा पत्थर नहीं निकलने के लिए। पानी थोड़ा ज़्यादा भरा है, इसलिए आटा भी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ रहा है भरा से। पानी छोटा से तो छोटा से बना के डालता है, लेकिन अभी पानी थोड़ा भरा है, इसलिए वो पानी में नहीं जाने के लिए।
दोनों साइड का हुक लॉक कर दिया था मैं, बच्चे से मिला लू। ये हो गया रेडी, अब इसको पानी में ट्रो करके रख देगा। पानी देखो इतना क्लियर है। सो ये नीचे में भी आटा फिशिंग हो रहा था, एक मिला है, इसको देखने है तो सामने से दिखाएगा। मच्छी दूर से भी बहुत बड़ा लग रहा है देख के। वाव, बढ़िया बढ़िया, मजा लग रहा है देख के। देखिए ये आटा में मिला है अभी, हाँ सेटिस्फाई है तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो सब यहाँ आटा फिशिंग कर रहा है। आज तो धूप नहीं है, थोड़ा बच गया, नहीं तो बहुत वो होना था। ये आटा बना रहा है, ये पानी थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें थोड़ा छोटा सा बनाया आटा, और ऊपर में जहाँ पहले दिखाया था वो भरा है इसलिए वहाँ थोड़ा भरा सा बनाया था, पत्थर भी भरा वाला डाला था। अभी आटा इस पर अभी बना रहे दोबारा, फिर सॉरी थोड़ा देर के लिए से रहने देगा, देखता है इस बार भी मच्छी है कि नहीं है। देखिए और एक मिल गया अभी, ये और एक मिल गया, बढ़िया दो दो हो गया अभी। हाँ, एक हाथ में पकड़ा देखिए और एक अभी आटा में फिर मिला है। क्या किस्मत है रे, आज तो किस्मत मजा हो गया। और एक है, ये भी बहुत बड़ा वाला, देखिए देखिए देखिए, वाह बढ़िया। ये तो एकदम मजा वाला मिल गया, दो दो है, दो आए एक साथ में ना, मिस ही नहीं आज तो। ये तो बहुत मजा है, दो दो आ रहे एक साथ में, देखो ना मिस ही नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक साथ में एक हुक में दो दो आ रहा है, वाह हो रहा है। एक और है, मिस नहीं आज तो, मिस नहीं है। देखिए मछली और एक मिला है, मिसी ने आज ना, ओ मुंह से भी लगा, फिन में भी लगा है ना, मिस नहीं आज। सो इसको भी रख देगा जिंदा जिंदा, अभी मरने नहीं देगा। मच्छी खा रहा है धीरे 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 धीरे, तो अपना पछताने का। मच्छी है, मच्छी इज ऑन, मच्छी इज ऑन। आज तो मिस नहीं है, एक बार भी मिस नहीं हुआ। तो ये और एक मिल गया, अभी फिर बना के डालेगा, आज तो मिस नहीं है। जितना बार डाला है उतना बार मछली मिला है। मछली खा रहा है, सुता को देखने से पता चल रहा है।
मशी इज ऑन, पीस इज ऑन। निकल गया निकल गया, इस बार मिस हो गया। इस बार मिस हो गया मच्छी। खाया था ना मछली, खा के छोड़ दिया। आप भी तो आए, इस बार तो जाने नहीं देगा। निकल गया फिर, इस बार भी निकल गया। आया, दो टाइम हो गया मिस हो गया। कंटिन्यू कंटिन्यू मिस टू टाइम्स। हाँ सो धूप में पूरा बैठा हुआ है, देखिए पूरा लाल हो गया गर्म से। आज तो स्किन पूरा जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आटा मार रहा है अभी, आटा में तो मिल रहा है, लेकिन अभी इस बार दो बार मिस हो गया कंटिन्यू, तो लॉस भी लग रहा है। आटा निकल भी मार रहा है। इस बार मिलने से तो मिस नहीं करना। मच्छी लग गया, इस बार निकलेगा नहीं है। दो बार कंटिन्यू मिस किया, इस टाइम मिस नहीं करेगा। अभी आ गया आ गया आ गया आ गया, अदो हो गया। आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा मजा हो रहा है, जितने बार फेंक रहा है उतना ही मिल रहा है अभी मछली भी। ये भुकरी मछली भी और पू जैसा लाए, अभी तक तो ये मिला है मछली, अभी और एक मिला है उसको भी डाल रहा है। दो मिला था अभी, वो मिस हो गया, लेकिन उसको भी पकड़ लेगा थोड़ा देर में, तो दो से ज़्यादा मिल जाएगा। और सब जिंदा जिंदा ही रख रहा है लोगों, फ्रेश फ्रेश, तो गर्म ज़्यादा है सर जाएगा, गन भी आता है। सो अभी तक तो देखिए गाइस, ये है आटा में मिला ला मछली, पूरा जिंदा रखा है अभी तक, फ्रेश है पूरा। अब इसको लंच में पका के खाएगा, वो भी मिलना था, लेकिन थोड़ा मिस भी हो गया, मछली निकल भी गया वो उसमें भूख से। यार उसका हाथ थोड़ा दर्द हो गया। सो यहाँ ऊपर में भी भाई लोग फिशिंग, आटा फिशिंग कर रहा था, इसका देखता है, यहाँ भी थोड़ा मिला है मछली। ये साइड में रखा हुआ है रेडी को करके, ये देख सकते हैं यहाँ भी है मछली, देखिए। हाँ आटा मार के पूरा, और भी बहुत था, बहुत निकला है ना मछली। हाँ यहाँ भी एक मिल गया अभी, थोड़ा छोटा वाला है, उर्पू है ये। आटा में देखिए बहुत मिल रहा है गाइस आज। पहले आटा फेंक के रखा था यहाँ, और मछली बहुत है। कोला ही नहीं जाल, ये देखिएगा छोटा छोटा वाला। जाल आ जाते कोले से, बहुत मिलना था ना, जाल ही नहीं कोला है। छोटू इधर आओ, दो मिला है अभी इसमें, अच्छा जाल खोलने से और भी होना था। सो अभी खाना बनाने के लिए रेडी करेगा, आग तो हो गई जल के रेडी हम लोग का। सो बेम्बू है उसमें, चावल चावल कितना लाए, गर्म ज़्यादा हो गया। ऊपर में चावल डालेगा, पानी डाल दिया अभी, चावल लगाएगा।
आगे पानी डाल दिया ना, वो तो कलाई बना रही है, जितना होगा इतना बोलाएंगे। ज़्यादा मत चलो चावल, जो हम वो करने का ना पता है ना, पानी नहीं बना ना, पानी बना लो पता चलेगा क्या। हम लोग यहाँ में तो खाना ऐसे पकाता है बेम्बू में, पत्ता में चावल ऐसे लगा के उसको बेम्बू में पानी डाल के दल देते हैं। तो ये बेस्ट है टेक्निक, ट्रेडिशनल से तो ऐसे खा के आ रहा है, हम लोग ट्रेडिशनल हो गया अभी है। इसमें टेस्ट भी बहुत है खाने के लिए, जो कुकर में पकता है बर्तन में उससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है खाने में। बेम्बू का फ्लेवर रह जाता, पत्ता का फ्लेवर रह जाता है। नीचे से लॉक करेगा तो चावल नहीं निकलने के लिए, और इसमें पानी है। इसमें पानी और थोड़ा डालना होगा, पानी थोड़ा कम हो गया। बहुत ही ज़्यादा सीरियस में तान रहा हूँ, वो तो मछली मिला जैसा लग रहा है। हाँ एक मछली है, मछली है। ओ बहुत देर के बाद भाई को भी एक मिल गया। क्या कहे, वाह देखिए साइज बहुत बड़ा है, हाथ के जैसे ना। बोला मछली को सब्जी में बना देगा क्या, को जलाएगा? हाँ येलू को जलाएगा, येलू को सब्जी में डाल देगा ना, बोला को भी डाल रहे हैं, उसको भी डाल देगा होगा। सो ये जलाने के लिए तो पेतू करना पड़ेगा ना। हाँ पेतू करना पड़ेगा। और ये सब्जी के लिए मछली और ओटका को ओटका के साथ में पकाएगा अभी। हाँ ये हो रहा है जलाने के लिए, बढ़िया बहुत लग रहा है देख के। वो तो नहीं जलेगा ना, वो बम्बू लोग तो खाना तो नहीं जलेगा ना, तो ना कम बोला उधर सब्जी का प्रिपरेशन बहुत जोर से हो रहा है अभी। पत्थर बहुत लिए ना, तब को नहीं डाले बाद में कच्चा में खाएगा। अभी सब्जी को पकाने के लिए जल्दी जल्दी रेडी कर रहा है, बहुत भूख लग गया। अब सब्जी का मैं दोनों जगह में जा के बदल, ये है दो है भी बम्बू में पकाए सब्जी को भी ओटका डाल रहा है, ओटका के साथ में टमाटर प्याज मछली सब आएगा आइटम।
रोस्टिंग के लिए नमक लगा रहा है मछली में। आज पता नहीं चिकन मिला नहीं है सुबह से, क्या हो गया, हर दुकान कोई भी दुकान में चिकन ही नहीं है। मछली में आया था डिपेंड करके, तो मछली तो मिल गया खाने के लिए, काफ़ी है ना। तो हो गया अभी सब कुछ रेडी, अब इसको आग में बैठाना है हीट मिल के पकाने के लिए। आग खाना भी हो गया रेडी अभी। अरे मछली के साथ में तो खाने को जा रहा है टेस्ट था, उसको खाना के लिए थोड़ा बचा लेगा, खाना निकल रहा है। वाह ये मजा से हुआ रे। बढ़िया हुआ खाना। सब्जी भी हो गया देखिए। ओ ओताका के साथ दिखे इतना पकिन कहाँ पाए, मजा लग रहा है देखने में। आज मछली नहीं मिलने की डायरेक्ट तो देख के बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। चलो बताओ ना खाएगा, चलो खा लेगा। और चले गए और कोई नहीं मिला, एक बिना घर मारा नहीं था ना। पानी का खत्म कर दिया था, पानी इधर ना पानी, ये देखो ना बियर के अंदर है ना। इसमें अलग का दिन होता और बढ़िया है। सब कुछ मजा पता था ये बोले बोले खाना वाना खाने का मार मार के तुरंत आज तो खाना में कर देते में तो थोड़ा नीचे है ना बालू सर बालू का जाएगा लीमू क्या लीमू
ちょっと待って。
लग गया था इसलिए जल्दी जल्दी खा लिया। सो अभी खाना खा के तो हो गया, अभी थोड़ा देर रेस्ट करेगा 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर से फिशिंग स्टार्ट कर देगा। और एक मिल गया अभी, बहुत देर खाना खाने के बाद फिर मारा है तो एक और मिल गया अभी। सुबह से तो थोड़ा साइज में छोटा है, बहुत तकलीफ है। और एक मिल गया अभी, मर गया। ज़्यादा स्पीड होगी। ओहो प्लास्टिक कान नहीं पकड़ा, हो जाएगा हाथ में अभी पकड़ लेगा, गिर गया। ओहो एक मिला था वो भी निकल गया, वो अंदर में फंस गया, नहीं तो चला जाना था वो भी। एक मिल गया मोटू, अभी बस मछली होना है इसके अंदर में शायद। एक है क्या? हाँ एक मिला है मोटू पे क्या? गोपी आया, ये आज एक मिल गया गोपी फाइनली। वहाँ में भाई एक तो मिला है अभी, हम लोग थोड़ा ऊपर साइड में गया था, वो नीचे में फिशिंग कर रहा था, देखता है अभी दूर से तो बहुत भरा लग रहा है। वाह ये बढ़िया साइज वाला है, मजा वाला है, मजा वाला है। हाँ तो अभी अभी मिला ये, बहुत बड़ा वाला है। सभी का मिला वाला है, भाई का साइज देखिए कितना बड़ा है, ये सेटिस्फाई वाला मिला रे, मजा आ गया रे, मजा आ गया। अभी इसमें मामा लेके रखा है मच्छी, वो निकाला नहीं है। ओ ओरचे, वाओ ओरचे मिला है, ओरचे गाइस ओरचे हो गया। ये तादो, ये भी ओरचे है, तो तीन मिला है, वो निकाला नहीं है मछली को, ऐसे रख दिया। अरे निकलता नहीं है, तीन मिला है अभी। नदी को देखने से तो बहुत मच्छी होगा जैसे। शायद मच्छी है जैसे लगा है इसलिए। ओ एक मच्छी मिला है, वो नीचे में भी है क्या? ये एक ही है, इसमें भी एक तो है। दो तो है और चे दो। बहुत मिलता है मछली सब, एक मिल गया फिर से घोटू और छे। मोपी मोपी के छोटे छोटे बच्चे, आटा फिर से ट्राई कर रहा है, शाम का समय ऐसा समय मच्छी थोड़ा मिलता है आटा में, इसलिए एक दो बार ट्राई करेगा, उसके बाद तो फिर नेट फिशिंग शुरू करेगा। फंस गया, मछली खा रहा है, फंस गया। अभी आया मछली, इस बार आया है, इस बार आया है, छोटा वाला लगता है ना, छोटा वाला है। सो ये देखिए गाइस फिर मिल गया, अभी आया, अभी आ गया मछली,
इस बार निकालने नहीं निकालना है, बहुत निकाल गया पहले। छोटा वाला है क्या? और एक मिला है, चलो उसको भी ले लो। छोटू तेरे निकल गया, आता ही था हुआ नहीं तो। ये तो निकल गया ना, है ना क्या, थोड़ा कंफ्यूज में था अभी, है ना। कहाँ गया ये देखो, देखो एक तो आ गया, अंदर से गया। ओ आप एक मिल गया, और एक तो मिला है। तो ये और एक मिल गया अभी गहे, अभी शाम का समय और भी मिलने से मजा आ जाएगा। ये जितना मिला ना इसका अभी पूरा पेट साफ करके रख देगा नए सरने के लिए, नहीं तो मच्छी जल्दी ख़राब हो जाएगा। बहुत गर्म है ना अभी, अभी नीचे से फिर लेके आए दो, तो बड़ा वाला मिला। पेट साफ करने का सुनो, छोटा वाला लगता है ना, निकल गया क्या? नहीं तो अभी और एक मिल गया। आटा में तो शाम का समय बहुत मिल रहा मच्छी, गहे मिल रहा है। आगे और ठंडा हो गया रे अभी पूरा, सभी जाल मार के वापस ऊपर साइड चला जाएगा जहाँ से सुबह आए, वहाँ से जाके वहाँ से घर निकल जाएगा। क्योंकि अभी ठंडा समय है तो ठंडा लग गया, ठंडा समय है अभी इसलिए जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, इतना ठंडा भी लग रहा है अभी। ऊपर में बाय फिशिंग कर रहा है, में कुछ आया कि नहीं आया होगा उसका, यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है। एक आया होते मतुप मतुप, हाँ बड़ा वाला, हाँ बहुत देर का बड़ा वाला एक मिल गया मतुप, कलर भी सुंदर वाला है। तो ये ऐसे रखना पड़ रहा है मछली को ख़राब नहीं होने के लिए, नहीं तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। चलो चलो एक मिल गया, एक मिल गया। हो, इतना जोर से फेंकता है पूरा, देखो तो पारी होने तक फेंक दिया। चलिए चलिए एक तो मिला, ये भी है गाहे। अभी तक तो इतना मिला है, शाम हो गया तो अभी आटा मार के अभी तक इतना मिल गया, जाल में भी थोड़ा मिला था पहले, इसलिए शाम भी हो रहा है अभी, इसलिए ज़्यादा देर मर रहा नहीं है अभी, थोड़ा देर एक दो बन फिशिंग करेगा उसका चला जाएगा। सो ये अभी तक का मिला वाला है, ये है ओरच गहे, गहे है ओरच तादो मतुप, ये छोटा वाला है, छोटा वाला भी मिला है, बड़ा वाला भी मिला है। थक गया, सभी जा रहे हैं वापस, ज़्यादा अंधेरा जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी दारू अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर जैसे है ये नदी से, और फिर दारू से फिर बसर जाना होगा। सो बसर का डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, तो ज़्यादा अंधेरा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा रास्ता में, इसलिए ज़्यादा अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकालने का ट्राई करेगा अभी। सो वीडियो यही ख़त्म करेंगे आज, सो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।